हाय फ्रेंड्स, सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में अभी तक हमने इंस्टॉलेशन का बेस्ट प्रैक्टिसेस देखा एंड सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन एंड ओएस साइड। ओके, सो हमने तीन चीज़ देख ली है। फिर से मैं एक बता देता हूँ, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब तक जो हमने देखा है तो हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन के चौथे पार्ट में है। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले PTO परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन पार्ट 4, क्योंकि टिल 3 वी हैव कवर्ड। ओके, सो टिल 3 हमने क्या देखा है? पहला देखा है हमने इंस्टॉलेशन का बेस्ट प्रैक्टिसेस, SQL सर्वर साइड ट्यूनिंग और हार्डनिंग आप बोल सकते हैं। तीसरा देखा हमने OS टाइप, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम साइड ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग आप बोल सकते हैं। ओके, सो ये तीन चीजें हमने कवर कर ली हैं। चौथा हमारा है, अब आता है डेटाबेस लेवल, DB लेवल, DB लेवल ट्यूनिंग। ठीक है, तो हम इस पे आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे डीबी लेवल ट्यूनिंग पर। डीबी लेवल ट्यूनिंग में क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या है डिजेबल रहते हैं, उनको हमें इनेबल करना पड़ता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहला क्या होता है, सॉरी पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, ओके ज़्यादा ईजी रहेगा। सो आपने देख लिया रिकेप में कि हमने ये कवर कर लिया, इंस्टॉलेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस, SQL सर्वर ट्यूनिंग, OS लेवल ट्यूनिंग में हमने स्टोरेज भी देख लिया था। ठीक है, तो अभी हम डेटाबेस लेवल ट्यूनिंग देख रहे हैं पार्ट 4। सो हमारा जो ये चौथा है इसमें है DB लेवल ट्यूनिंग। इसका पहला होता है ऑटो श्रिंक जो होना चाहिए ऑफ होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो ऑटो श्रिंक चल गया तो आपका आयो इश्यूज बढ़ा देगा। तो हमें ऑटो श्रिंक जो होती है, ऑटो श्रिंक, इसको आप ऑफ रखें। ओके, या फॉल्स रखें, फॉल्स और ट्रू जिसको बोलते हैं, ऑफ या फॉल्स रखें। ओके, ऑफ कहेंगे तो इसका फॉल्स हो जाता है। ओके, नंबर टू होता है आपका अपडेट स्टैटिस्टिक जो होती है ऑन होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, ऑटो अपडेट स्टैटिस्टिक्स ये होना चाहिए आपका ऑन या ट्रू। ओके, सो इससे क्या होगा, आपका जितने भी स्टैटिस्टिक्स होंगे वो हमेशा अपडेटेड और रहेंगे, जिससे क्या होगा डेटा रिट्राइवल और मैं फास्ट होएगा, आपको इंडेक्स और डेटा प्रॉपर देगा आपका। ओके, नेक्स्ट होता है आपका कि आप एम डॉक भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, इसके डेटाबेस लेवल भी आप क्या कर सकते हैं, सर्वर लेवल भी एम डॉक सेट कर सकते हैं और डेटाबेस लेवल भी एम डॉक शॉर्ट सेट कर सकते हैं। तो एम डॉक मैक्स डिग्री ऑफ प्रेजेंस आप ऑन कर सकते हो, सेट कर सकते हो, सो आप सेट इज इक्वल टू 1 रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट होता है पैरामीटर स्निफिंग, चौथा है आपका पैरामीटर स्निफिंग। आप प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर में क्या होता है, मतलब पैरामीटर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपका जो होता है प्लान और कंपाइलेशन टाइम डिफरेंट हो जाता है एंड देन आपको थोड़ा डिले होता है, उस चीज के लिए यहाँ पे हम ये पैरामीटर स्निफिंग यूज करते हैं। कि अगर आप एक ही प्रोसीजर में अलग अलग पैरामीटर्स है तो प्लान तो सेम ही रहेंगे लगभग, खाली थोड़ा सा कीवर्ड की चेंजेस रहेंगे। सो इसके लिए आप इसको इनेबल करते हैं। ओके, सो आप इसको ट्रू कर सकते हो, ट्रू। हम डिटेल में आएंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि पैरामीटर स्ट्रिपिंग क्या है। ओके, और क्या जरूरत है, बट इस बेसिकली स्टोर प्रोसेसेस के लिए ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक ऑप्शन होता है ब्लॉकिंग्स आपको ज्यादा आते हैं तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं, इज रीड कमिटेड स्नैपशॉट। ठीक है, इसको आपको ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये रीड कमिटेड नहीं किया तो डर्टी पिक्चर रीड होएगा, तो आपको डेटा प्रॉपर भी नहीं मिलेगा और स्लो, सॉरी स्लो होएगा। ओके,
सो इस तरह से आपको ये रीड कमिटेड स्नैपशॉट ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपको बैकअप साइज, लॉग फाइल का जो होता है वो देखना, ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर बैकअप आपका हो रहा है कि नहीं डेटाबेस का, तो ये चीज आपका होना चाहिए। सिक्स, बैकअप शेड्यूल होना चाहिए, ओके ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप कह सकते हैं आपको कि ऑटो सिंक नहीं, ठीक है, एंड लॉग बैकअप एंड क्या है, ओके एक और होता है इसका, होता है आपका कह सकते हैं उसको आइसोलेशन लेवल। डेटाबेस आइसोलेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो डेटाबेस का आइसोलेशन लेवल चेक करना पड़ेगा। आइसोलेशन लेवल, ओके, तो इसमें क्या होती है, रीड अनकमिट होता है, रीड कमिट होता है, स्ट्रेचेबल होता है, उसके बाद आपको रिपीटेड रीड होता है और रीड स्नैपशॉट होता है। तो हम इसके लिए जो होगा हम डीबी स्नैपशॉट जो होता है इसको हम बाद में देखेंगे कि आप बेसिकली ये डीबी स्नैपशॉट लेवल होता है क्या है, इसे बेनिफिट्स क्या बेसिकली, और फैंटम रीड, डर्टी रीड, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें अपना ये एसोसिएशन लेवल चेंज करना पड़ता है। तो ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ओके, आपका एनवायरनमेंट कैसा है उस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पांच पार्ट होते हैं आपके एसोसिएशन लेवल के। बाय डिफॉल्ट रीड कमिटेड होता है, जो डेटा कमिट हुआ है वही हम रीड करें, डर्टी पे डर्टी रीडेड हम नहीं करते, ओके डिफॉल्ट में, ओके। सो ये चीजें आपकी जो है ना डेटाबेस लेवल ट्यूनिंग होनी चाहिए। अगर आपने ये चीजें कर दी है तो आप बहुत सारे चीजें रेगुलर डेली बेसिस जो इश्यूज आते हैं आपने उसको परमानेंटली रिजॉल्व कर दिया है। अब जो भी आएंगे क्या आएंगे, क्वेरी बेस्ड आएंगे, क्वेरी बेस्ड इश्यूज आएंगे, क्वेरी स्लो हो गई या टाइम ले रही है या फिर प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा है या टाइम आउट आ जा रहा है। सो ये सब चीजें आप कब देखेंगे, ये सब करने के बाद, क्योंकि इसमें अब हार्डवेयर लेवल और आरडीबीएस लेवल को इश्यूज नहीं आने वाले। अब डेवलपर ने कैसा क्वेरी लिखा है उस पे आप डिपेंड करता है, और कैसे वो कॉल करा रहा है, वो सेलेक्ट स्टेटमेंट बार बार कॉल करा रहा है या व्यू से उठा रहा है या ट्रांजिशन टेबल से उठा रहा है, ये इन सब चीजों को सेलेक्ट स्टेटमेंट को प्रोसीजर में कॉल कराया है कि नहीं कराया है। सो ये सब चीजें हम क्वेरी ट्यूनिंग पार्ट में देखेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट डायरेक्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट और सेलेक्ट स्टेटमेंट कमिंग टू द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर के थ्रू अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट जाता है तो कितना बेनिफिट होता है, अगर हम ट्रांजिशन टेबल को नहीं छेड़ते हैं, हम व्यू से डेटा उठाते हैं तो कितना बेनिफिट होता है, या इन मेमोरी से उठाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट आप कॉलम स्टोर इंडेक्स भी आ गए आपको, ओके, और बहुत सारी चीजें हैं जो नए नए फीचर्स एसक्यूएल सर्वर्स में आ रहे हैं। सो ये सब चीजें हम क्वेरी ट्यूनिंग पार्ट में देखेंगे, अलग जो होगा क्वेरी वाले में, ठीक है। इंडेक्स बनाने से बेनिफिट है या नहीं है, या फिर कितने डुप्लीकेट इंडेक्स है, अनयूज्ड इंडेक्स क्या है, ओके, या फिर प्रॉपर क्वेरी जो हमारा इंडेक्स उठा रहा है कि नहीं, टेबल स्कैन पे क्यों जा रहा है। सो इन सब चीजों का हम क्वेरी प्लान, हाउ टू फोर्स द क्वेरी प्लान, ये सब क्वेरी वाले में हम देखेंगे, ओके। क्वेरी स्टोर आप इनेबल किए हो तो किस तरह से आप इनेबल किए हो, कितना स्टोर करा रहे हो। अब आप डेटाबेस में अपने क्वेरी स्टोर इनेबल करा दिया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट चीज लिख दिया 8 नंबर क्वेरी स्टोर, तो ये क्या करेगा, बार बार डेटा उठा के स्टोर करना शुरू कर देगा। तो ये भी एक स्टूडेंट्स का इशूज होता है, अननेसेसरी हम इनेबल नहीं कर सकते फीचर्स, तो कहीं भी आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी फीचर्स आप इनेबल ना करो, जो जरूरत हो वही करो वरना डिसेबल रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं तो क्यों फिजूल का मेमोरी और स्टोरेज यूज करने का, ठीक है। क्योंकि डेटा बैकएंड में अपना काम करता रहेगा और डेटा रीड राइट करता रहेगा, तो वो एक स्लोनेस का भी इशूज एक फैक्टर्स बन जाते हैं। सो हम एक बार फिर से बता दें कि अब तक हमने इंस्टॉलेशन पार्ट देख लिया, सिक्वल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, ट्यूनिंग देख लिया, ओएस लेवल ट्यूनिंग देख लिया और डेटाबेस लेवल ट्यूनिंग हमने देख, मतलब ये चार चीजें हमने खत्म कर दी। मीन्स अब एक ही चीज बढ़ जाता है आपका, क्वेरी ट्यूनिंग, कैसे क्वेरी कॉल हो रही है, कैसे उसके प्लान बन रहे हैं, प्लान यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बफर में डेटा है या नहीं है, क्या फैक्टर्स है कि डेटा नहीं है। सो धीरे धीरे जो भी कीवर्ड्स है उन सारे कीवर्ड्स को हम देखेंगे एंड देन हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी देखेंगे, अगर मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल रहते हैं तो मैं उससे भी डेटा कंपेयर करा के आपको दिखा दूंगा। बेसिकली मैं ट्राई करूंगा थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा करने का, प्रैक्टिकल आपको फिर आपको वहाँ अपने बारे में देखना पड़ेगा कि वो बेनिफिट आपके लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हमने 4 सेशन खत्म कर दिए हैं और होपफुली मुझे आशा है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी, आपको
अच्छा हेल्प कर रही होंगी। बेसिकली आप कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा होगा। सो थैंक यू, कमेंट आप लिखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।